चलिए तो श्लोक नंबर 71 के की भूमिका चल रही थी, जिसमें बताया जा रहा है कि जो कि 7 प्रश्न शिष्य ने पूछा था, शिष्य ने 7 प्रश्न किया था कि बंधन क्या है, और दूसरा प्रश्न था कि आया कहाँ से, श्लोक नंबर 51 में आया हुआ है, और कथम प्रतिष्ठा मतलब कैसे रूप गया, और अस्य कथम विमोक्ष। चलो ठीक है, तो प्रतिष्ठा हो गई, लेकिन जो है मुक्ति कैसे मिलेगी, मुक्ति कैसे हम प्राप्त करें, ये चौथा प्रश्न था। और पांचवा प्रश्न था कि कोशव अनात्म अनात्मा परमह का आत्मा, अनात्मा कौन है परमात्मा कौन है, तयोर विवेक, दोनों का विवेचन किस प्रकार से होगा इसको बताइए। यहाँ जो चौथा प्रश्न है, चौथा प्रश्न था कि मुक्ति कैसे मिलेगी, तो यहाँ ये शंका हुई कि भाई पहले 3 प्रश्नों को छोड़ करके सीधे चौथे प्रश्न का उत्तर क्यों दे रहे हैं। इसका उत्तर कल दिखाए थे कि देखिए जो मुमुक्षु के लिए जिज्ञासित है मुक्ति का साधन, जैसे कोई व्यक्ति है किसी के घर में अग्नि लग गई है तो वहाँ क्या करना है, सीधे सीधे जो है उसको पानी डाल करके बुझाना, ये मुख्य जो है पानी डाल करके बुझाना, ये मुख्य जो है उसको करना पड़ेगा। बाकी अन्य जो चीज़ें हैं कि कहाँ से अग्नि गिर गई, कहाँ से आई, कैसे आई, क्यों आई, ये सब बातें जो है बहुत गौण होती उस समय। उस समय मुख्य बात यही है कि किसी प्रकार से यह अग्नि शांत हो। जैसे एक उदाहरण दिया जाए, आप कहीं किसी वृक्ष के नीचे बैठे हो, वैसे तो आप लोग मुंबई में बैठे हुए हो, लेकिन मान लिया जाए कभी कहीं गए जंगल वंगल में और वृक्ष के नीचे बैठे हो और एकाएक आपके सिर पे एक सांप गिर गया, वृक्ष के ऊपर से एकाएक आपके सिर पे सांप गिरा, अब बताओ क्या करोगे आप, ये विचार करोगे कि सांप कहाँ से आया, इसका माई बाप कौन है, ये सांप आया कहाँ से, इसके माई बाप कौन है, कितना बड़ा है, किस वैरायटी का है, कोबरा है कि कोई दूसरा है, ये सब विचार उस समय नहीं होता है। उस समय तो सीधे आप झटक दोगे सांप को, जल्दी भगाओ यहाँ से। ठीक इसी प्रकार जिसके अंदर तीव्र वैराग्य है, संसार से मुक्त होना चाहता है, तो सबसे पहले मुक्ति का उपाय क्या है, ये जो है ज़्यादा मुख्य बात होती है। इसलिए शुरुआत में बंधन क्या है, बंधन का कहाँ से आया, कैसे रुक गया, इनका पहले नहीं करके सीधे पहले मुक्ति विमोक्ष कैसे होगा, मुक्ति का हेतु क्या है, इसको पहले बता रहे हैं, और उसी में जो है बंधन की भी चर्चा हो जाएगी और आगे सब विवेचन आदि बताएंगे। ते शंका का, इस शंका का समाधान जो है कल टीका में हम लोगों ने देखा था। अब इसलिए अब से उसकी भूमिका तो बता दिए थे, श्लोक का उच्चारण आप लोग करिए। श्लोक नंबर 71। मोक्षस्य हेतु प्रथमो निगद्यते, वैराग्यमत्यन्तमनित्य वस्तुषु ततः समश्चापि दमस्तितिक्षा न्यास प्रसक्ता खिल कर्मणाङ्ग्रिसम्। मोक्षस्य हेतु प्रथमो निगद्यते, मोक्ष का हेतु कौन है, सबसे पहला हेतु कौन है, बोले सबसे पहला जो मुख्य हेतु है वैराग्यम अत्यंत मनित्य वस्तुसु, अत्यंत जो अनित्य वस्तुएं है, नहीं अनित्य वस्तुएं है, जितनी भी अनित्य वस्तुएं अनित्य वस्तुएं है उन सब में अत्यंत दृढ़ वैराग्य होना, ये सबसे पहला जो है उपाय है, सबसे पहला कारण, सबसे प्रथम जो है मुख्य उपाय। और पीछे भी इस बात की चर्चा देखो आई थी कि दो चीजें होनी चाहिए, मुमुक्षा और वैराग्य। एतयोर, एक श्लोक आया था, एतयोर मंदता यत्र विरक्तत्व मुमुक्षयोर
मरव सलिल व तत्र समाधेर भाषमानता, ये बात आई थी पूर्व में, एक श्लोक आया था, ये तयोर मंदता यत्र विरक्तत्व मुमुक्षयो, मरव सलिल व तत्र समाधेर भाषमानता। जिस व्यक्ति के अंदर वैराग्य और मुमुक्षा में कमी है, तो भले दिखने में ब्रह्मज्ञानी के बाप जैसे दिखाई पड़ रहे हो, एकदम शांत बड़ा समाहित दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है ब्रह्मज्ञानी के पिताजी है, लेकिन अगर तीव्र वैराग्य नहीं है और मुमुक्षा नहीं है तो समदम जो दिख रहा है केवल दिखने मात्र को है, कुछ काम का नहीं है। ये बात वहां पे एतयोर मंदता यत्र विरक्तत्व मुमुक्षयो इस श्लोक में बताया गया था, वो श्लोक भी आप लोग देख सकते हो, श्लोक नंबर 31 था। इसलिए मोक्षस्य हेतु प्रथमो निगद्यते, मोक्ष का प्रथम हेतु है कि अनित्य वस्तुओं में तीव्र वैराग्य होना, क्योंकि जब तक तीव्र वैराग्य नहीं होगा तब तक जो है व्यक्ति आत्म साधना में अभिमुख होगा ही नहीं। वो तो संसार को चाहता है तो आत्मा की क्यों साधना करेगा भाई, जिसका रास्ता ही अलग हो गया आत्मा की साधना कैसे करेगा। इसलिए एक बात मैं कभी कभी लोगों से पूछता हूं कि दुनिया का सबसे बड़ा विरक्त कौन है, ये बात जो है कभी कभी विद्यार्थियों से पूछता हूं कि दुनिया का सबसे बड़ा विरक्त कौन है, तो भाई इसका उत्तर यही है कि आत्मानुरागी ही दुनिया का सबसे बड़ा विरक्त है। जिसमें आत्मा में अनुराग है नहीं, आत्मा में प्रीति है नहीं, ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया, ये सब ढोंग ज्यादा करने से कुछ नहीं होता है, छोड़ छोड़ करके पकड़ लेने वाले भी बहुत होते हैं, ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया, मैंने तो इसको त्याग दिया, तिलांजलि दे दी, हाँ छोड़ दिया वो छोड़ दिया, ये सब जो है ढोंग से काम नहीं चलता है। आत्मा के प्रति जिज्ञासा होनी चाहिए, ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया से कुछ नहीं होता है। आत्मा की जिज्ञासा अगर आपके अंदर नहीं है तो छोड़ करके भी दोबारा पकड़ लोगे, इस बात की गारंटी है। इसलिए सबसे बड़ा विरक्त वही है जिसके अंदर आत्मा का अनुराग है, आत्मा में प्रीति है, जो आत्मा को जानना चाहता है वही दुनिया का सबसे बड़ा विरक्त है भाई। इसलिए वैराग्यम अत्यंत अनित्य वस्तुषु, अनित्य वस्तुओं में जो दृढ़ वैराग्य है यही मोक्ष का सबसे पहला हेतु है, पहला हेतु यही हो गया। इसलिए आपको एक श्लोक जो है याद दिला देता हूँ, आप लोग जानते तो होंगे ही, भज गोविंदम में आता है वो श्लोक जो है, भज गोविंदम में श्लोक है भगवान भाष्यकार के द्वारा विरचित, सुरतटिरी तरु मूल निवास शय्या भूतल मजिनंग वास सर्वभोग परिग्रह त्याग कस्य सुखं न करोति विराग भज गोविंदं भज गोविंदं गोविंदं भज मूढ़मते। देखिए श्लोक आया है, सुरतटिनी तरु मूल निवास, सुरतटिनी सुरवर सुर नदी जो गंगा जी है, तो नदी के तट पे देखो निवास कर रहा है सन्यासी, सोता कहाँ है शय्या भूतलम, दुनिया का सबसे बड़ा बिस्तर यही है भूतल, इससे बढ़कर के बिस्तर कोई मिलेगा नहीं, शय्या भूतलम भूतल पे सो जाते हैं। अजिनम, अजिन कभी मृगचर्म आदि पहले सेवन करते थे, आजकल तो कोई छोटा मोटा कुछ भी आसन अथवा बिना आसन के पत्थर पे ही सो गए। सर्व भोग परिग्रह त्याग, संपूर्ण भोग परिग्रह नाना प्रकार की भोग सामग्री उसका परित्याग, ऐसा जो वैराग्य है कस्य सुखम न करोति विराग, किसको सुख नहीं देगा बताओ। जिस व्यक्ति के अंदर पदार्थों की लालसा नहीं है उसे दुख कहां से मिलेगा बताइए, दुख क्यों मिलेगा कहां से मिलेगा, अगर पदार्थों की लालसा नहीं है तो दुखी नहीं होगा, परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो।
इसलिए मोक्ष का प्रथम हेतु कहा जाता है अनित्य वस्तु सु अत्यंतम वैराग्य, अनित्य वस्तुओं में दृढ़ वैराग्य होना, यही सबसे पहला हेतु है मुक्ति का, यही हेतु है दृढ़ वैराग्य होना, है ना। तो इस तरह से, और ततः इसके अनंतर क्या है, ततः समस्यापि दमस्तितिक्षा न्यास प्रसिक्ता अखिल कर्मणाम वृषम, उसके अनंतर सम भी होना चाहिए। वैराग्य तो है, मन समाहित नहीं हुआ है, मन के ऊपर निग्रह आपने नहीं किया, ते जो वैराग्य है ढीला पड़ जाएगा। सम होना चाहिए, दम बाह्य इंद्रियों को भी निग्रहित करना है, बाह्य इंद्रियों में भी चपलता नहीं रहनी चाहिए, इधर ये देखने के लिए वो देखने के लिए इंद्रियों को जो घुमा रहे हो देखना चाहते हो, बाह्य इंद्रियों में भी चपलता नहीं होनी चाहिए। और तितिक्षा, अत्यंत विपरीत परिस्थितियों में भी सम बुद्धि रहे, शीतोष्णादि द्वंद्व सहिष्णुत्वम, द्वंद्व को सहन करने की इच्छा, सहिष्णुत्वम द्वंद्व को सहन करना ये तितिक्षा है, द्वंद को सहना, ठंडी गर्मी हानि लाभ ये सब जो है इन सब में समान रहे। न्यास प्रसक्ता खिल कर्मणाम वृषम, और इसके अनंतर प्रसक्त जितने भी कर्म है उन सभी का न्यास कर देना, संन्यास कर देना विधिवत, है ना। कर्म कब तक करोगे, जब तक आपको सांसारिक फल चाहिए, संसार से विरक्त हो गया तो पहले तो परमात्मा की प्रीति के लिए कर्म करेगा, जब चित्त शुद्ध हो गया तो अब उसको भी छोड़ देंगे, नदी पार हो गए तो नौका को थोड़ी बांध के रखोगे हाथ में, नदी पार हो गए तो नौका जो है छोड़ देते हैं, जैसे ऐसे ही जब कोई सांसारिक फल नहीं चाहिए, अंतःकरण में आपके वैराग्य है, शुद्ध है चित्त, तो विधि पूर्वक उन कर्मों को परित्याग कर देंगे। तो इस तरह से ये सब साधन है, तीव्र वैराग्य होना चाहिए पहला, मंद वैराग्य से जो है काम नहीं चलता है, तो थोड़ा बहुत अरे छोड़ देंगे धीरे धीरे, क्या हो गया छोड़ देंगे, कहाँ ज़्यादा पकड़ के रखा हो। एक आदमी मुझसे 5 साल पहले की बात है, 5-6 साल पहले एक जो है व्यक्ति बोले मुझसे, क्या बोले कि महाराज मैं भी आपकी शरण में ही आने वाला हूँ, तो 6 साल से तो इंतजार मैं कर रहा हूँ कि कब आएंगे शरण में, लेकिन वो तो देख रहा और फंसते जा रहे हैं। 6 साल पहले ही बोल दिए थे महाराज आपकी शरण में मैं बस आने ही वाला हूँ, अब मैं जो है बड़े ही उत्सुकता से उनका इंतजार कर रहा हूँ कब आए, लेकिन जो है वो आने वाले नहीं है, मुझे भी पक्का मालूम पड़ चुका है। तो भैया ऐसे मंद वैराग्य से काम नहीं चलेगा, है ना। तो मंद वैराग्य से इस मार्ग में काम नहीं, तीव्र वैराग्य होना चाहिए। इसलिए ततः समस्यापि दमस तितिक्षा, इसके अनंतर सम फिर दम फिर तितिक्षा, और कर्मों का संन्यास विधिवत उसको त्याग देना पड़ेगा। आपको सांसारिक कोई पदार्थ नहीं चाहिए, अंतःकरण शुद्ध हो गया, कर्मों को छोड़ दीजिए, विधिवत जो है गुरु की सन्निधि में रह करके विधिवत अध्ययन करिए। ऐसे कब तक जो है गूगल मीट पे अध्ययन कब तक करोगे, इसलिए जो है विधिवत आश्रम में ही आ गए, अब कोई समस्या नहीं रहेगी, कोई विक्षेप नहीं। तो इस तरह से ये देखिए 71 नंबर के श्लोक में बताए। हाँ जी, एक काम चलाऊ सरकार है, ये तो आपातकालीन व्यवस्था है ना, ये आपातकालीन व्यवस्था, इसको मान के रखिए। चलो देखो आगे, ये जो है 71 नंबर श्लोक पूरा हुआ। देखो स्फुटम, श्लोक का अर्थ एकदम स्पष्ट है, श्लोक का अर्थ विशेष कुछ करने की जरूरत नहीं, टीकाकार लिखते स्फुटम एकदम स्पष्ट है।
अब आगे देखिए श्लोक नंबर 72, उसका उच्चारण पहले किया जाए। तो जब कर्मों का संन्यास कर दिया तो फिर क्या करेंगे वो, देखिए इसलिए बता रहे हैं। श्लोक नंबर 72, तथा श्रुति तन्मननम्, सतत्व ध्यानं चिरं नित्य निरंतरं मुने ततो विकल्पं परमेत्य विद्वान इहैव निर्वाण सुखं समृच्छति। ततः श्रुति तन्मननम्। अब जब उसने कर्मों का विधिवत संन्यास कर दिया जिज्ञासु ने, है ना, पूरी तरह से। देखो क्या होता है ना, बात ऐसी है कि जब तक आप जो है गृहस्थ आश्रम में रहेंगे तो कुछ ना कुछ विक्षेप तो लगे ही रहता है। अब हमें फायदा क्या है कि हमें कोई टोक नहीं सकता कि तुम एक ये जिम्मेदारी संभालो, वो जिम्मेदारी संभालो। हम इस कपड़े में आ गए तो हमको कोई टोक नहीं सकता कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है। और आपको कभी भी कोई भी व्यक्ति टोक सकता है कि देखो तुम्हारा कर्तव्य पूरा नहीं हुआ, ये करो वो करो, है ना। एक बार एक आदमी था आश्रम में, गया बीच बीच में आ जाता था, फिर घर पे चले जाता था। और जैसे ही घर में पहुंचे, उसकी पत्नी जो है बहुत सा काम लगा देती थी, जाओ उधर जो है बबूल को छटनी करो, ये करो वो करो, खेत में जो है ये बेचारा फिर 5 दिन में ही भाग के आता था। बोले गुरु महाराज वहाँ तो शांति से बैठने नहीं देती घर वाले, यहाँ से जाओ वहाँ, वहाँ से फिर तुरंत 5 दिन बाद आ जाए। ऐसा देखा था एक जगह पे, ऐसा देखा था। तो मतलब क्या है कि अगर जब तक आप गृहस्थ आश्रम में है, चलो ठीक है, आपके अंदर वैराग्य है, साधना कर लेंगे। मुख्य तो ऐषणात्रय का परित्याग होता है, कोई वेश धारण करना है मुख्य संन्यास तो नहीं है, किंतु ये बात है कि थोड़ा बहुत विक्षेप रहता है। गृहस्थ आश्रम अगर आप है तो कुछ ना कुछ तो विक्षेप पड़ता है, इसलिए थोड़ा ये वस्त्र धारण लिंग धारण का भी कुछ महत्व तो आता है श्रुतियों में। तो लेकिन अगर आपके अंदर तीव्र वैराग्य नहीं, तो हम कोई संन्यास लेने के लिए नहीं कह रहा है, तो ये प्रक्रिया एक दिखाई जा रही है कि जब संपूर्ण कर्मों का विधिवत संन्यास कर दिया, ततः श्रुतिस्तद मननम, इसके बाद श्रवण करेंगे और उसका श्रवण किए हुए अर्थ को पुष्ट करने के लिए मनन करना पड़ेगा। और मनन कर लिया तो सतत्व ध्यानम, सतत्व तत्व के साथ जो मतलब जो परमार्थ तत्व है उसका ध्यान करना, उसका मतलब सतत निधिध्यासन। चिरम नित्य निरंतरम मुनेहे, चिरम जो है चिरकाल तक, 2-4 दिन नहीं, नित्य निरंतर चिरकाल तक। यहाँ तो ऐसा मन में संकल्प रखना है कि मेरा कितना भी समय लग जाए मुझे छोड़ना ही नहीं है, कितना भी समय लग जाए मुझे छोड़ना ही नहीं है। देखो इसलिए सूत्र तो जरूर रख लेना, कोई भी काम आप लगातार करते रहो तो पूरा हो जाता है। और थोड़ा कुछ समय के लिए, अरे बहुत जोश में आकर के कुछ समय के लिए तेजी से आरंभ किए और थोड़े ही समय बाद जो है छोड़ दिए, कभी नहीं पूरा होगा। और अगर आप एक निर्धारित समय रख लीजिए, जैसे आप घर में हैं, आप निर्धारित समय रख लीजिए कि 2 घंटे हमें जो है श्रवण करना है, विचार करना है, तो धीरे धीरे ही बहुत जो है आगे निकल जाएगा व्यक्ति। लगातार करना पड़ता है, कोई जल्दबाजी करने से नहीं, लगातार करे तो बहुत सफल होगा। इसलिए यहाँ नित्य निरंतरम मुनि है, वह जो मुनि है नित्य निरंतर उस परमार्थ परमात्मा तत्व का श्रवण मनन निधिध्यासन आवृत्ति रख सकृत उपदेशात, ब्रह्मसूत्र में बारंबार आवृत्ति करना है। ततो विकल्पं परमेत्य विद्वान, इससे क्या होगा, श्रवण मनन निधिध्यासन कर लिया तो निर्विकल्प जो तत्व है, परम उत्कृष्ट तत्व है, 5 कोशों से अतीत, सभी सांसारिक धर्मों से रहित ऐसा जो तत्व है उसको प्राप्त करके विद्वान यह वह, यही पे जीते जीते ही, ऐसा नहीं कि मरने के बाद मुक्त होऊंगा, जीते जीते नहीं मुक्त हो रहे हो तो मरने के बाद कहां से मुक्त हो जाओगे, यही जो है निर्वाण सुख का अनुभव कर लेगा।
इहैव निर्वाण सुखम समृच्छति, यही जीते जीते ही वह निर्वाण सुख का अनुभव कर लेगा। देखिए ये बात है मुख्य, ये सब देखिए कथम विमोक्ष का उत्तर दी, किस तरह से मुक्ति मिलेगी। देखिए टीका में, अनित्य वस्तुसु देहादि ब्रह्म पर्यंतेषु, जो अनित्य वस्तु है शरीर से लेकर के ब्रह्म लोक पर्यंत, ब्रह्म लोक में ही आत्यंतिक सुख मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं, वैराग्य से रहित ब्रह्म लोक से भी नीचे आ जाते हैं। जैसे कोई बहुत उत्कृष्ट साधन आपने ग्रहण किया और फिसल गए तो वो साधन भी धोखा दे गया, तो ब्रह्म लोक भी गए अगर वैराग्य नहीं है तो वहां से भी भगा दिए जाओगे। इसलिए अनित्य वस्तु जो है देह से लेकर के ब्रह्म पर्यंत जो वस्तुएं है उनमें अत्यंतं वैराग्यम, अत्यंत दृढ़ वैराग्य होना चाहिए। यही है मोक्षस्य प्रथमो हेतुर निगद्यते, यही मोक्ष का सबसे बड़ा दरवाजा है, सबसे प्रथम हेतु है। क्योंकि ऐसा क्यों कह रहे हैं, बहुतर विक्षेप हेतु भूत आशा शून्य, आपके अंदर जितनी आशाएं हैं, जितनी ज्यादा आशाएं हैं उतना ज्यादा ही विक्षेप होगा। ये केवल मैं ही नहीं कह रहा हूं, योग वासिष्ठ में एक श्लोक आता है, आशा नाम ऋणाम काचिद आश्चर्यमयी श्रृंखला यया बद्धा प्रधावंती मुक्ता तिष्ठन्ति पंगुवन। आशा नाम की एक ऐसी रस्सी है, मनुष्यों के पास एक आशा नाम की ऐसी रस्सी है कि यया बद्धा प्रधावंती, जिस रस्सी से बंध करके जिंदगी भर दौड़ते रहता है। जैसे बंदर को बांध दो तो एक क्षण भी शांति से नहीं बैठे, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से इधर, ऐसे जितनी ज़्यादा आशा लगा के रखे हो तो आशा के से की वजह से नाना प्रकार के विक्षेप होगा, नाना प्रकार की प्रवृत्ति होगी। तो बहुतर विक्षेप का है, तो देखो दे दिए योग वासिष्ठ ने ही बताए, आशा नाम ऋणाम काचिद आश्चर्यमयी श्रृंखला यया बद्धा प्रधावन, जिस आशा नाम की रस्सी से बधा हुआ व्यक्ति जीवन पर्यंत दौड़ते रहता है। अब मुक्तास्तिष्ठन्ति पंगुवत, जो आशा नाम की रस्सी से मुक्त हो गया तो जैसे पंगु, पंगु यानी जिसके दोनों ही पैर नहीं है, एक ही जगह पे बैठे रहता है, इसी प्रकार आशा से जो मुक्त हो गया पंगु के समान किसी भी प्रवृत्ति से रहित हो जाएगा, कोई भी विक्षेप उसे नहीं रहेगा। इसलिए दे दिए कि बहुतर विक्षेप हेतु भूत, अत्यधिक विक्षेप का हेतु आशा, उस आशा से शून्य जो मन है, आशा से रहित हो गया जो मन, अत्यंत वैराग्य है तो आशा से रहित हो गया, शून्य से वो मनसा स्वलक्ष्य नियतावस्था रूप समाधेह संभवात, ऐसे मन की ही अपने लक्ष्य में नियमित रूप से अवस्थित हो जाना, ऐसे समदम संभव है। अत्यंत वैराग्य होगा तभी समदम हो पाएगा, दिखावटी समदम से थोड़ी काम चलेगा, बड़े ही शांत बने बैठे हो, अंदर से थोड़ी शांति होनी चाहिए, ऊपर ऊपर से समाहित दिखने से कुछ नहीं होता है। ततश्च सम उक्त लक्षण, सम इसके बाद ये हेतु है, सम का लक्षण किया जा चुका है, सम का लक्षण तो उक्त लक्षण है, इसका लक्षण कहा जा चुका है, ये सब आ चुका है पूर्व में, देख लेना उसको। च शब्द उक्त समुच्चय का, और भी जो जो कहा गया उनका उन सबको च शब्द से ले लेना, समस्या हाँ समुच्चय का हाँ। देखो अत्र सर्वेशाम वैराग्यादीनाम ज्ञान काले भी आवश्यकत्वा, ये जितने भी वैराग्य है समदम है ये सब ज्ञान काल में भी आवश्यक है, क्योंकि अंतरंग है, जैसे घट बन गया, अब मिट्टी निकाल लो थोड़ी घट रह जाएगा, आभूषण बनाने के बाद किसी को कहो कि आभूषण आप ले जाओ सोना मुझे दे दो, भैया जो है आभूषण ही सोना ही निकाल लोगे, आभूषण कहाँ से रह पाएगा। इसलिए जो वैराग्य आदि है ज्ञान काल में भी आवश्यक है और अंतरंग भी है, ज्ञान काल में भी आवश्यक है अंतरंग भी है, अंतरंगत्वाद। इसलिए पूर्वापर भाव सत्वे भी कुलाल पितृवत अन्यथा सिद्धि शंका न कार्य, कि पूर्व में रहेगा बाद में रहेगा तो भी जो है अन्यथा सिद्ध हो जाए। देखो कई चीज़ें
ये न्याय की भाषा में एक अन्यथा सिद्ध आता है। अन्यथा सिद्ध का मतलब ये है कि जो होते हुए भी कारण न बने, जैसे कुलाल का पिता घट बना रहा है कुंभार, और कुंभार का पिता जो है वो केवल वही खाट पे बगल में बैठा हुआ है, बैठ करके हुक्का गुड़गुड़ गुड़गुड़ कर रहा है, तो जो है कुलाल का पिता घट का कारण नहीं बल्कि वो तो अन्यथा सिद्ध, इसको कहते हैं अन्यथा सिद्ध, जो वहां पे है तो लेकिन कारण नहीं बन रहा है। ऐसे कोई सोचे कि जो है ये होते तो है लेकिन कारण नहीं बन रहे, अन्यथा सिद्ध है, जो लोग न्याय तर्क संग्रह आदि पढ़े होंगे ये शब्द को समझेगी, अन्यथा सिद्ध क्या होता है, मतलब जो होने पर भी कारण न बने, पूर्व और पर काल में रहे लेकिन कारण न बने, जैसे कुंभार का पिता घट कुंभार बना रहा है, कुंभार का पिता नहीं बना रहा है, इसलिए कुंभार का पिता उस घट के प्रति कारण नहीं हो करके अन्यथा सिद्ध हो गया। ऐसे कोई कहे कि ये जो है वैराग्य आदि अन्यथा सिद्ध हो जाएंगे, कारण तो नहीं बनेंगे, पहले पूर्व में रहे पर में रहे, बोले ऐसी शंका नहीं करना, ज्ञान काल में भी ये रहते हैं, इसलिए अन्यथा सिद्धि की आशंका यही मुख्य कारण है। अतः च शब्देन अपि शब्देन च समुच्चय कथ्यते, च शब्द समश्चापि सम और अपि, इन शब्द के द्वारा इन सबका समुच्चय कर दिया गया। ततः दमः, इसके बाद दमः बाह्य इंद्रियों का निग्रह, तितिक्षा और द्वंद्व को सहन करना, और प्रसक्ता अखिल कर्माण कर्मणाम, जो प्राप्त है सभी कर्म, जैसे ब्राह्मण है तो ब्राह्मण संबंधी अलग अलग कर्म है, गीता आदि में बताया हुआ है, वर्णाश्रम विहितत्वेन प्रसक्तान, वर्ण और आश्रम के लिए विहित रूप से जो प्राप्त है सभी कर्म, प्राप्तानाम अखिलानाम सर्वेशाम कर्मणाम, जितने भी कर्म है भाई, अंतःकरण की शुद्धि के लिए आप कर्म जो है करना ही पड़ता है, आप गृहस्थ आश्रम में कुछ न कुछ तो कर्म करते ही रहना पड़ेगा। श्रेयान स्वधर्मो विगुण पर धर्मा सुनिश्चिता, गीता में आगे अपने धर्म का पालन करिए, अपने जो आपके लिए कर्तव्य कर्म है उसमें न्यूनता हो तो भी उसका पालन करिए। कारण ये है उससे जो है, अगला एक श्लोक आया ना, स्वकर्मणा तम अभ्यर्च सिद्धिम विन्दति मानव, अपने कर्मों के द्वारा ही हम परमात्मा की पूजा करके अंतःकरण की शुद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। गृहस्थ आश्रम में है तो गृहस्थ आश्रम संबंधी कर्मों को करते भी रहिए, तभी अंतःकरण पूरी तरह से शुद्ध हो करके ज्ञान की योग्यता है। अब जब वैराग्य उत्पत्ति पर्यंत इन सबको अनुष्ठान करना है, देखो प्रसक्तानाम प्राप्तानाम अखिलानाम सर्वेशाम कर्मणाम, वर्णाश्रम अलग अलग वर्ण अलग अलग आश्रम के लिए जिन जिन कर्मों का विधान किया गया है उन सभी को जो है जब ईमानदारी से अनुष्ठान किया तो उसका अंतःकरण शुद्ध हो गया। कब तक अनुष्ठान करना है? वैराग्योत्पत्ति पर्यंतम अनुष्ठेयत्वा, जब तक आपको दृढ़ वैराग्य न हो जाए तब तक उसका अनुष्ठान करना है ना? जैसे कोई गाड़ी जो है पुरानी हो गई है, कब तक उसका सेवन करोगे? जब तक नई गाड़ी न आ जाए, तभी जो तब तक उसको घिसटते रहोगे। ऐसे ही जब तक आपके अंदर तीव्र वैराग्य न हो जाए तब तक इन कर्मों को करना पड़ता है, गृहस्थ आश्रम में करना ही पड़ेगा। उत्पन्ने च तीव्र वैराग्य, अब तीव्र वैराग्य जब उत्पन्न हो गया तो भृशम न्यासः, अत्यंत उपेक्षा कर दीजिए, पूरी तरह से उसका विधिवत त्याग, स्वरूपतो भी परित्याग, स्वरूप से भी उन कर्मों को छोड़ देना है। पहले अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर रहा था, फल नहीं चाहता था, एक तरह से भी संन्यास हो गया, लेकिन जो है उसका विधिवत त्याग कर दे, नहीं तो कब करते रहेगा तो ठीक से विचार नहीं कर सकता, कर्म में ही स्वाहा स्वाहा करना है तो विचार कहाँ से कर पाओगे, इसलिए स्वरूपतः उसका परित्याग करना पड़ेगा। देखो पूर्वम चित्त शुद्धि अपर पर्याय वैराग्यार्थम, पहले तो चित्त शुद्धि जिसका दूसरा नाम है वैराग्य, वैराग्य होना ही चित्त शुद्धि है, तो चित्त शुद्धि जिसका दूसरा नाम है, ऐसे वैराग्य के लिए फलम अनभिसंधाय,
फल को नहीं चाहते हुए ईश्वरार्पण बुद्धिया कर्मणाम अनुष्ठान अनुष्ठानम। ईश्वरार्पण बुद्धि से परमात्मा की प्रीति के लिए कर्मों का अनुष्ठान करता है। जैसे पिताजी को प्रसन्न करने के लिए पुत्र पिताजी की कही बातों को करता है तभी उसके पिता प्रसन्न होंगे। इसी प्रकार पूरे जगत के जो पिता है ईश्वर, उन्होंने जो गीता आदि शास्त्रों में उपनिषदों में जिन जिन कर्मों को बताया है, अगर कामना से रहित होकर के करेगा तो उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। तो कर्मणाम अनुष्ठानम। अब जब वैराग्य हो गया फिर क्यों उसको लटका के घूमोगे, उसको फिर क्यों मतलब पकड़ के रखोगे। इदानीम फल से निष्पन्नत्वात् स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानव। कर्मों के द्वारा जब आपने परमात्मा की पूजा की, आपका अंतःकरण शुद्ध हो गया, सारी मलिनता दूर हो गई, तो फल तो हट गया, फल तो निष्पन्न हो गया, फल तो प्राप्त हो गया। तो सुतराम तेषां परित्यागे इति भाव, तो पूरी तरह से उन कर्मों का परित्याग कर दीजिए, संन्यास ले लीजिए, संन्यास कर्मों का ऐषणात्रय का परित्याग, कर्मों का विधिवत परित्याग, यही है संन्यास। इति भाव हाजी वृषम। वृषम जो है ये जो है ये धातु तो ये देखना पड़ेगा, है ना, कल बताता हूँ इसको मैं देख के। वैसे अव्यय पद है, अव्यय है, अव्यय वृषम यानी पूरी तरह से वृषम। वृषम कहीं कहीं बारंबार के लिए भी प्रयोग होता है, लेकिन ये यहाँ वृषम, वृषम का अर्थ लेना पूरी तरह से छोड़ देना। ये अव्यय पद है राजू भाई, अव्यय पद है। चलिए देखिए, तो आगे देखिए। हाँ, अब इसके बाद सर्वकर्म संन्यास कर दिया। ततः सर्वकर्म संन्यासानंतरम, सर्वकर्म संन्यास के अनंतर श्रुति ही मतलब श्रवण करना है आपको, इसके बाद श्रवण करिए, यानी गुरु मुखात वेदांत वाक्य श्रवणम। गुरु के मुख से क्या सुनना है, वेदांत वाक्य का श्रवण करना है ना। वेदांत वाक्य का श्रवण करिए, वहाँ जाके कुछ अन्य दो सुनने की जिज्ञासा मत करिए। भक्ति शास्त्र, अरे भाई पूरे संसार से वैराग्य हो गया फिर भक्ति शास्त्र और कर्म शास्त्र अब जिज्ञासा मत करो, इन सब की जिज्ञासा तो पहले ही करना चाहिए, है ना। पहले ही अंतःकरण शुद्धि काल में भक्ति किए, कर्म का ठीक ढंग से अनुष्ठान किए। अब जब संन्यास ले लिए तो गुरु के मुख से वेदांत का वाक्य श्रवण करे, है ना, वेदांत वाक्य श्रवण करे। ये देखिए ये हो गया श्रवण, और मतलब श्रवण का मतलब देखिए बता रहे, वेदांत वाक्यार्थ निर्णयानुकूल व्यापार। वेदांत वाक्यों के अर्थ निर्णय के अनुकूल व्यापार, ये श्रवण का अर्थ है। मतलब षडविध लिंगों के द्वारा, भाई कोई भी पुस्तक आप उठाते हो, जरा विचार करो कि कोई भी पुस्तक आप उठाते हो तो सोचते हो कि नहीं कि इसमें क्या लिखा है, आखिर इसमें किस विषय का प्रतिपादन किया गया है, मुझे क्या मिलेगा इसको पढ़ने से, ये आप सोचते हो। तो इसी प्रकार वेदांत में क्या लिखा है इसको जानना है तो षडविध लिंगों से विचार करने पड़ेगा कि आरंभ में क्या लिखा है, अंत में क्या है, बीच में क्या है, नवीनता क्या है इसमें, क्या नई बात है। जो चीज़ आप पहले से जानते हो उसको थोड़ी पढ़ोगे, नवीनता क्या है, युक्ति क्या है, फल क्या मिलेगा इससे, तीन सब चीज़ों का जो है को देखते हुए वेदांत वाक्यों का तात्पर्य किसमें है उस तात्पर्य का निर्धारण कर लेना, यही है श्रवण। इसको कहते हैं श्रवण, ये श्रवण है। इधर ऐसा नहीं कि एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दिए, हाँ तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये वाली बात नहीं रखना, तात्पर्य को निर्धारण कर लेना, ये श्रवण है। इसलिए दे दिए वेदांत वाक्यार्थ तात्पर्य वाक्यार्थ निर्णयानुकूल व्यापार है।
अब श्रवण कर लिए, तात्पर्य का निश्चय कर लिए कि वेदांतों का तात्पर्य किसमें है। अब इसके बाद मनन की बारी आ गई। तो मननम तन मननम ने श्रुतार्थस्य दार्ढ्याय उपपत्ति विश्चिंतनम। आपने निर्णय तो कर लिया, अगर मन में बैठाओगे नहीं, कोई भी व्यक्ति आपको हिला देगा, जैसे कोई लकड़ी का डंडा जमीन में गाड़ दिए, अगर मजबूती से नहीं गाड़े है कोई भी हिला करके उखाड़ लेगा। ऐसे अगर आपने मन में उसको दृढ़ नहीं किया, तब तो कोई दूसरा शास्त्र पढ़ोगे, अन्य अन्य मत पढ़ोगे, आपकी बुद्धि हिलने लगेगी, हिलडुल हिलने पे लगेगी। नहीं नहीं ये ठीक है, वहाँ तो ऐसा लिखा था, यहाँ ऐसा लिखा है। कई ऐसे बहकाने वाले इसलिए होते हैं, इसलिए उसका मनन करके दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिए। श्रुतार्थस्य दार्ढ्याय, जिस अर्थ का हमने श्रवण किया है उसकी दृढ़ता के लिए युक्तियों से चिंतन करना पड़ेगा, शास्त्रानुकूल युक्तियों के द्वारा, तब जा करके निश्चय हो जाएगा। और इसके अनंतर क्या करना है? असंभावना संशय भावनयो संश्रवण मननाभ्याम निरस्तयो। श्रवण कर दिए तो असंभावना हट गई, बिल्कुल संभव नहीं है, संशय भावना, संशय हो रहा था, असंभावना हो रही थी, मैं जीव ब्रह्म हूँ कि नहीं हूँ ये संशय हो रहा था, बिल्कुल मैं ब्रह्म हो ही नहीं सकता, इसको कहते हैं असंभावना। और मैं ब्रह्म हूँ कि नहीं हूँ ये हो गया संशय, संशय भावना, असंभावना, संशय भावना, मैं बिल्कुल ब्रह्म हो नहीं सकता ये है असंभावना। और मैं ब्रह्म हूँ कि नहीं हूँ, मैं जीव हूँ कि ब्रह्म हूँ ये संशय भावना। इन दोनों भावनाओं की निवृत्ति हो गई श्रवण और मनन के द्वारा। शास्त्र के तात्पर्य का निर्धारण किए और युक्तियों के द्वारा जब चिंतन किए, तो श्रवण और मनन के द्वारा असंभावना संशय भावना दोनों की निवृत्ति हो गई। इसके बाद क्या करना? अब देखो अनादिकालीन जो अभ्यास है, किसी कुत्ता, कोई कुत्ता राज रोज आपके घर के सामने आ रहा है, दो चार डंडा मार दोगे तो भी वो आएगा आपके घर के आगे, एक बार मार देने से वो वहाँ आना नहीं बंद करेगा, उसको अगर भगाना है तो रोज भगाना पड़ेगा। आप चाहते को हमारे यहाँ ना आए, रोज उसको जो है डांटना पड़ेगा, डंडा दिखाना पड़ेगा। ऐसे मन रूपी जो कुत्ता है ना, ये विषयों के पीछे अनादिकाल से घूम रहा है, इसकी आदत बड़ी गंदी हो गई। तो भले आपने तत्व का निश्चय कर लिया तो भी पूर्व के अभ्यास से विषयों की तरफ भागेगा, है ना? इसीलिए जिस तत्व का आपने निश्चय किया है उसी तत्व में मन को बैठाइए, लगा दीजिए, उसी का ही अनुचिंतन करिए। निधिध्यासन, तो निधिध्यासन करोगे तो पूरी तरह से मन में वही तत्व छा जाएगा, और फिर एक दिन ये स्थिति हो जाएगी, समाधि लग जाएगी आपको, मैं ब्रह्म हूँ, जगत नहीं हूँ, संसार के धर्मों से रहित, शुद्ध नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त, अहम आत्मा साक्षी केवलश्चिन्मात्र स्वरूप, ना ज्ञानम नापि तत्कार्यम किंतु नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त परमानंद स्वभावम अद्वैत स्वरूपम आनंद स्वरूपम। ऐसा जो है आपका एकदम निश्चय हो जाए, फिर आप ज्ञानी हो, आपको ज्ञान हो गया, आपने आत्म तत्व को जान लिया, कार्य के सहित जगत का बाद हो गया, पूरा जगत स्वप्न के समान मालूम पड़ेगा। तो सतत तो ध्यानम यानी परमार्थ तत्वस्य ध्यानम, परमार्थ तत्व का इसके अनंतर ध्यान निधिध्यासन। कितने दिन करना है? तदपि चिरम कर्तव्यम, दो चार दिन ही चिरकाल तक करना है, ऐसा नहीं दो चार दिन कर लेंगे हो जाएगा, दो चार दिन नहीं लंबे समय तक इसको करना पड़ता है। अनात्म सु आत्मत्व वासनाया अनादि काल प्रवृत्ताया, क्योंकि अनात्मा शरीर आदि में जो आत्मबुद्धि है ये अनादि काल से हो रही है,
इसलिए बताया ना कि कुत्ता कुत्ता जो है रोज आपके घर पे आ रहा है, उसको भगाना हो तो एक दिन डंडा मारने से नहीं भागेगा, उसको रोज रोज डंडा दिखाना पड़ेगा। इसी प्रकार अनात्म जो शरीर आदि है उसमें आत्मत्व वासना अनादिकाल से प्रवृत्त है, अनादिकाल से चल रही है। मैं कहने से शरीर का ध्यान आता है, कब से आने लगा? अनादिकाल से आने आता है, है ना। इसलिए उसका निराश करने के लिए थोड़ा नहीं चिरकाल तक प्रयत्न करना पड़ेगा। चिरम क्रियमाणम अपि, पहली बात तो लंबे समय तक करना है, और लंबे समय तक करना है मतलब आज किए फिर 3 दिन बाद करना है, फिर 3 दिन बाद, ऐसा नहीं विच्छेद विच्छेद करके नहीं, रोज करना है, लंबे समय तक करना है, रोज करना है, सतत करना है। चिरम क्रियमाणम अपि यदि विच्छिद्य विच्छिद्य क्रियेत, चिरकाल तक आप कर रहे हो तो भी अगर विच्छिन्न विच्छिन्न करके, आज किए 1 घंटे, एक व्यक्ति बता रहा था कि महाराज जी 1 घंटा श्रवण करते हैं, बाकी 23 घंटा तो हमारा संसार में रहता है, मन कहाँ से कल्याण होगा। उसकी बात भी सत्य थी कि भाई जो है, इसलिए बदले है कि अत्यधिक जो है आत्माभिमुखता बढ़ाइए। भाई संसार एक दिन आपको पूरा छोड़ना ही है, तो पहले से उसको थोड़ा उधर से मन को हटाइए। इसलिए जो निधिध्यासन चिरकाल तक करना है, बीच बीच में विच्छेद विच्छेद करके करोगे, यदि विच्छिद्य विच्छिद्य क्रियेत, तो विच्छेद कालिक वृत्ति भी आत्मवृत्तेर अभिभूयमानत्वात्। तब तो विषयाकार जो विच्छेद बीच बीच में विषय का चिंतन करते रहे, तो विषयाकार वृत्ति क्या करेगी? आत्माकार वृत्ति को दबा देंगी। अब इस विषय में आपको एक दृष्टांत देता हूं। नेपाल में एक गंडकी क्षेत्र है, गंडकी शिला, सालग्राम क्षेत्र। उस सालग्राम क्षेत्र में ये उदाहरण योग सूत्र में आया है कि सालग्राम क्षेत्र में बहुत से लोग आदिवासी लोग रहते हैं, भील लोग रहते हैं। उन्हीं भीलों के बीच में एक ब्राह्मण भी रह रहा है। अब बताओ, आदिवासियों के बीच में रह रहा है, वो तो आदिवासी जैसा ही हो जाएगा। जैसे सांपों के बीच में मेंढक रहे तो बेचारे उस मेंढक का बचना ही कठिन है, वो क्या सुख प्राप्त करेगा। ऐसे ही विषयाकार वृत्तियों के बीच में आत्माकार वृत्ति कभी कभी बनेगी तो आत्माकार वृत्ति दबा देगी, कैसे आदमी ज्ञानी होगा, ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी। इसका समाधान ये दिया गया कि देखिए, जैसे अगर हम आप उस आत्माकार वृत्ति को धीरे धीरे बढ़ाने लगेंगे तो जो विषयाकार वृत्तियां है वो दबने लगेंगे। धीरे धीरे बढ़ाते 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 एक समय ऐसा आएगा आत्माकार वृत्तियां विषयाकार वृत्ति को पूरी तरह दबा देंगी और आत्मा का प्रकाशन हो गया तो पूरा विषय बाधित मालूम पड़ेंगे। तो इसमें वहां दृष्टांत दिए कि इसी प्रकार सालग्राम क्षेत्र में आदिवासियों के बीच में कोई ब्राह्मण रह रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि अपने धर्म को छोड़ देगा, उसका जीवन उनसे अलग ही रहेगा, क्योंकि बाल्यावस्था से उस तरह का उसने आचरण किया है, उसके दादा ने पिता ने उसका ब्राह्मण वाले स्वभाव बनाने में योगदान दिया है। तो भले ही किन्हीं के किनके बीच में भी रहे लेकिन वो अपने धर्म का पालन करेगा। जैसे भारत से बहुत से लोग अमेरिका में रहते, दूसरे देशों में रहते हैं, ईसाइयों के बीच में है, इसका मतलब ये थोड़ी कि अपना धर्म छोड़ दिए, जो संस्कार लेके गए हैं उसी संस्कार के अनुसार अपने धर्म पे डटे रहते हैं। ऐसे ही तो जब हम जो है आत्माकार वृत्ति को अधिक करेंगे, इसलिए निधिध्यासन कह रहे हैं कि लंबे समय तक करना है और लगातार विच्छिन्न विच्छिन्न करके नहीं,
विच्छिन्न विच्छिन्न करके करोगे तो विषयाकार वृत्तियां आत्माकार वृत्ति पे हावी हो जाएंगे, इसलिए लगातार करना है। यदि विच्छिद्य विच्छिद्य क्रियेत, तो विच्छेद कालिक वृत्ति भी आत्मवृत्तेर अभिभूय मानत्वात्, तब तो विच्छेद कालिक जो वृत्तियां है उनके द्वारा आत्मवृत्ति दब जाएगी। निधिध्यासनम एव न सिद्ध है, तब तो निधिध्यासन ही सिद्ध नहीं होगा। बैठोगे निधिध्यासन करने आत्मा का और चिंतन होगा विषयों का, इसलिए कह दिए कि नहीं नित्य निरंतरम, दीर्घ काल तक करना है, नित्य निरंतर भी करना है। इसलिए योग सूत्र में एक सूत्र देखिए रे, तेन स तु दीर्घ काल निरंतर सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि ही, वह जो दीर्घ काल तक सेवन करोगे निरंतर करोगे। और भी एक विशेषण योग सूत्र में लगा दिए, सत्कार पूर्वक, यानी ब्रह्मचर्य आदि का पालन करते हुए करोगे। नहीं तो क्या होगा, जैसे कोई आदमी है भक्ति भी करता है और दो नंबर का धंधा भी करता है, ऐसी व्यक्ति की भक्ति जो है पुष्ट नहीं हो पाए। भक्ति भी करे और दो नंबर का धंधा भी करे, काला बाजारी भी करे, तो ऐसे व्यक्ति की जो भक्ति है वो पुष्ट नहीं हो पाएगी। भक्ति को पुष्ट करना है तो गलत मार्ग से हटना भी उतना ही जरूरी है। इसी प्रकार दीर्घ काल करो, निरंतर करो, किंतु ब्रह्मचर्य आदि व्रत का पालन नहीं करते हुए, शिष्टाचार आदि से नहीं रहते हुए करोगे तो भी सिद्ध नहीं हो पाएगा। इसलिए दीर्घ काल करना है, निरंतर करना है, और सत्कार से हमारा जीवन जो है बहुत जो है सदाचार पूर्ण होना चाहिए। ऐसा सत्कार आदि से सेवित होगा तो वही जो हमारी साधना है दृढ़ भूमि ही, बहुत दृढ़ भूमि हो जाएगी वही साधना जो है, दृढ़ भूमि, तब फिर विषयाकार वृत्तियों को दबा देगी। इति योग सूत्रोक्त रीत्या, तो योग सूत्र में जो रीति बताई गई है उस रीति के अनुसार दिवसैर वा मासैर वा निधिध्यासनम सिद्ध्यति इति न वांछेत। मन में ऐसा नहीं रखना कि कुछ दिन में निधिध्यासन हो जाएगा, एक दो दो चार महीनों में हो जाएगा। बस आप तो मन में ये दृढ़ निश्चय रखिए कि जब तक नहीं होगा तब तक मैं करूंगा, छोड़ना नहीं। ये तदा विद्यमानस चत्वारयो वेदा, देखो एक उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पे टीकाकार। कोई बच्चा गया बालक वेद पढ़ने के लिए गुरुकुल में, पांच दिन तक पढ़ा, पांच दिन पढ़ने के बाद उसके मन में आया कि जो है अरे पांच दिन मैंने पढ़ लिया अभी तक आया नहीं, पांच दिन से बताओ गुरुकुल में रह रहा हूं अभी तक वेद नहीं आया। अब बताओ उसको क्या है, पांच दिन में थोड़ी वेद आता है। तदा विद्यमानस चत्वारयो वेदा तान अध्येतुं गतस्य, अगर कुछ दिन में चाहेगा तो क्या बात उसके अंदर, उसके लिए एक उपमा दे रहे कि कोई विद्यमान चार वेद है उनको अध्ययन करने के लिए गया हुआ है गुरुकुल में, बालक पंच दिवसा अतीता, बताओ पांच दिन बीत गए, नाद्याप्य असौ समागत, अभी तक भी वेद नहीं सीख पाया। इति मूढ़ वचनानुसारी यम ध्याता स्यात्, जैसे वह बालक मूढ़ है, पांच दिन में पूरा वेद नहीं सीख सकते। इसी प्रकार कोई सोचे कि कुछ दिनों में निधिध्यासन हो जाएगा, कुछ महीनों में हो जाएगा, तो मूढ़ वचन का अनुसरण करने वाला वो ध्याता है, उसका ठीक ठीक नहीं सिद्ध हो पाएगा। हमें तो डट के रहना है, जब तक नहीं होगा तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो उसकी समान ही मूढ़ वचन का अनुसरण करने वाला ये ध्याता हो गया, जैसे वह बालक मूढ़ वचन बोला ऐसे ये भी मूढ़ वचन वाला हो जाएगा। अपितु संवत्सरय जन्म भीरवा आदर पूर्वकम सर्वदा सेवितव्यम, चाहे संवत्सर कई वर्ष लग जाए अथवा कई जन्म लग जाए तो भी आदर पूर्वक वहाँ से श्रद्धा को हटाए न, लगातार लगे रहे। जैसे पार्वती माता जी ने मन में संकल्प कर लिया कि जन्म जन्म लगी रगर हमारी, वरौ शंभु न त रहौ कुंवारी, शिव जी
विवाह करूंगी तो शिव जी से करूंगी, नहीं मैं नहीं तो भले ही कुंवारी रह जाऊं। इस तरह से मन में दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा। तो संवत्सर कई साल लग जाए, कई जन्म लग जाए, तो भी आदर पूर्वक सदा सेवन करना है। चिरम दीर्घ काल तक नित्य निरंतरम इति विशेषणम, जैसे गीता में आ गया ये विशेषण, जैसे गीता में कही गई रीति के साथ, अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति पराम गतिम। अनेक जन्म में संसिद्ध होकर के सम्यक सिद्ध हो गया अनेक जन्म की साधना से, फिर परागति को प्राप्त कर लेगा, मुक्ति की प्राप्ति कर लेगा। स्मृति नित्यम अविच्छेदेन बहुकाल पर्यंतम निधिध्यासनम सिद्ध्यति चेत। नित्य अविच्छिन्न रूप से बहुत दीर्घ काल तक सत्कार से युक्त होकर के निधिध्यासन अगर कर लिया तो यह वो जन्मनि ततः परिपक्वात निधिध्यासना, तब वो जो निधिध्यासन है परिपक्व है, पक गया है, दृढ़ निधिध्यासन है, उससे क्या होगा? अविकल्पम यानी निर्विकल्पम समाधिम, निर्विकल्प समाधि को प्राप्त कर लेगा, जो कि परम है। परम मतलब सविकल्पकात परम उत्कृष्टम। हम किसी देवता का ध्यान कर रहे हैं, अत्यंत चित्त हमारा लग गया, सविकल्प समाधि वहां लग गई, उसकी अपेक्षा है निर्विकल्प समाधि, वो श्रेष्ठ है, उत्कृष्टम। ये यानी उस समाधि को प्राप्त करके जो विद्वान है, आत्म साक्षात्कारवान, निर्वाण सुखम यानी मुक्ति सौख्यम, मुक्ति रूपी सुख को समृच्छति यानी निरर्गलम अनुभवन, निरर्गल यानी प्रतिबंध से रहित। अर्गला कहते प्रतिबंध को, जो हम लोग दीवार में चिटकनी लगाते हैं ना, उसको अर्गला बोलते हैं, दरवाजे में, दीवार में नहीं दरवाजे में। और निरर्गलम अर्गला से रहित, प्रतिबंध से रहित मुक्ति सुख का अनुभव कर लेगा। इस तरह से इन बातों को दो श्लोकों में बताए। अब आगे तो कल अष्टमी है, कल अनध्याय रहेगा, परसों के दिन हम लोग आगे का विचार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।